हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एडुचैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने जा रहा है और आज 8 दिसंबर को उसका पहला एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो आज हम हमारे इस लाइव सेशन में लेकर आए हैं आपके लिए आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो आईबीपीएस की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए, किस किस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आए। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम देकर आ गए हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त भी कोई एग्जाम देने जा रहा है तो उसके साथ भी हमारा ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा एग्जाम एनालिसिस। आईबीपीएस पीओ क्लर्क का जो एग्जाम हुआ है, हमने एग्जाम सेंटर पे जाके जो बच्चों से पूछा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम था, तो इसमें मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क 2018-19 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज थी 7275 वैकेंसीज। जी हाँ दोस्तों, टोटल 7275 वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम हुआ है। जो पोस्ट का नाम है, आपको पता है क्लर्क की पोस्ट का एग्जाम था और आज इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ है जस्ट, और हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आए हैं जिससे कि आने वाले एग्जाम में वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आज ही आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट में है या फिर आपका एग्जाम संडे को है तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, फर्स्ट इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि अभी हो रहा है वो होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद उसका मेन एग्जाम होगा। तो क्लर्क में जो एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो प्री एग्जाम और मेन एग्जाम होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप इसको पास कर ले। आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो एग्जाम का, जो प्रीलिम्स एग्जाम जो हुआ है आईबीपीएस का, वो आज 8 दिसंबर, कल 9 दिसंबर और उसके बाद 15 और 16 दिसंबर को ये एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको जो है वो दिसंबर या जनवरी, दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और जो कॉल लेटर होंगे मेन एग्जाम के वो जनवरी के अंदर आ जाएंगे। इसका जो मेन एग्जाम होगा वो भी जनवरी के अंदर ही आयोजित होगा और जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल कट ऑफ इसकी आएगी 1 अप्रैल 2019 में। तो दोस्तों, ये तो थे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब अगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए। तो आपको पता है कि इसमें जो टॉपिक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टॉपिक है उसमें से रीडिंग कॉम्प्रेंशन में से 5 क्वेश्चंस आए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस थे, ये रीडिंग वाले क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, ठीक है। जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट थे। वहीं अगर हम एरर स्पॉटिंग की बात करें तो एरर स्पॉटिंग के 10 क्वेश्चन आए और वो मॉडरेट लेवल के आए। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी इंग्लिश थी वो मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट ही थी, बस इसमें जो रीडिंग का कॉम्प्रेंशन आया वो थोड़ा टफ आया। आगे फ्रेजल रिप्लेसमेंट भी मॉडरेट ही रहा, इसके भी 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मैं आपको मेमोरी बेस पे बता रही हूँ कि जैसे हमें बच्चों ने बताया आने के बाद कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। काफी बच्चों को क्वेश्चंस याद नहीं थे, किसी को याद एग्जैक्टली याद नहीं थे, तो हमने इसमें एनालिसिस में आपको बताया, हमने सोचा कि हम बता दें कि किस सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन आए फ्रेजल रिप्लेसमेंट की भी। वहीं अगर फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स एकदम न्यू पैटर्न का आया था, ठीक है। इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए थे और उसमें अपन को फिल इन द ब्लैंक्स अपन को करने थे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हम जो आपको हमारे जो इंग्लिश की वोकैबुलरी, इंग्लिश की जो क्लासेस चलती है, हम रोज इंग्लिश की एक लाइव क्लास डालते हैं, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि न्यू पैटर्न जो भी आईबीपीएस का आया है जिसके अंदर फिलिप्स भरने होते हैं, तो वो हमारे जो सर है वो लेक्चर्स में अपने बताते हैं कि किस तरीके से आपको फिलिप्स उसमें भरने हैं। तो एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके जरूर आप चेक करें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फिलिप्स के। इसके अभी टोटल जो क्वेश्चन आए वो 5 क्वेश्चन आए, तो ऐसे इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चन हुए खत्म, ठीक है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश में से आते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो ये था क्वेश्चंस का डिवीजन। ये मैं आपको बता दूं, ये इजी आया, जो फिलिप्स का जो सेक्शन था वो इजी आया। अगर किसी को ये टफ लग रहा हो तो आप हमारे वीडियोस जाके देखें, उसमें हमारे सर ने आपको अच्छे से बताए हुए हैं कि किस तरीके के फिलिप्स आते हैं और किस तरीके से उन पे अपन को काम करना होता है। आगे हम देखते हैं, तो आगे जो रीजनिंग एबिलिटी हम देखते हैं, हमें पता है कि जो आईबीपीएस की जो बैंक की जो रीजनिंग आती है वो थोड़ी टफ आती है, लेकिन ये इतनी डिफिकल्ट नहीं रही, मॉडरेट ही रही। इसको इजी नहीं कहेंगे, इसको ओवरऑल हम कहेंगे रीजनिंग मॉडरेट थी, क्योंकि अगर हम आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते रीजनिंग को। अगर हम किसी और से कंपेयर करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बैंक की रीजनिंग थोड़ी सी टफ आती है, लेकिन अगर हम बैंक की ही तैयारी कर रहे हैं तो जो पेपर आया उसके अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट था। अब हम देख लेते हैं सेक्शन वाइज कितने कितने क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए। तो पजल जो था, जिसमें सिटिंग और सिटिंग अरेंजमेंट में से आते हैं फ्लोर बेस्ड, सिंगल वेरिएबल्स और सर्कुलर फेसिंग, तो इसमें से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन के पूछे गए, 15 क्वेश्चन इस सेक्शन में से पूछे गए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स में से, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट पड़े बच्चों को, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लगे। सिलोजिम्स के 3 क्वेश्चन आए, वो भी इजी क्वेश्चंस आए सिलोजिम्स के। कोडिंग एंड डिकोडिंग के 1 क्वेश्चन आया, इजी क्वेश्चन था ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला। अल्फाबेटिकल सीरीज के थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए जिनका लेवल मॉडरेट था, इजी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ डिफिकल्ट भी नहीं था। इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन ईजी पूछे गए, इनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो ईजी था। वही नंबर सीरीज के जो 4 क्वेश्चन पूछे गए वो मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट ऑर्डर एंड रैंक की तो बहुत ईजी आया था, ऑर्डर और रैंकिंग के जो क्वेश्चन थे वो बच्चों ने बताया कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन आए थे, मतलब कि बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा था वो क्वेश्चन करने में। डायरेक्शन सेंस के फिर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट आए, हालांकि 2 ही क्वेश्चन इसमें से पूछे गए लेकिन वो भी डिफिकल्ट थे, और बाकी के जो बचे उसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट डिफरेंट उसमें, और इस तरीके से ये जो टोटल 35 क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश जो थी वो मॉडरेट थी और रीजनिंग भी मॉडरेट थी, तो इसका मतलब ये है कि पेपर जो है वो मॉडरेट ही रहा होगा, क्लर्क का पेपर इतना टफ नहीं रहा। अगर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चंस आए, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है बैंक का वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, इजी होता है। इसमें अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए जो कि मॉडरेट थे, टफ नहीं थे। वही नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे बता रहे हैं कि क्वेश्चन ईजी थे। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, तो उसको हम मॉडरेट में ही डालेंगे, क्योंकि कई लोगों को लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे लेकिन कई लोगों को इनको करने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। इसके 15 क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं हम एप्लीकेशन सम की बात करें तो उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे एप्लीकेशन सम्स के, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से जो एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है जिसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इस तरीके से 5, 5, 15 और 30, 10 क्वेश्चंस, ये सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हम आपको वो भी बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए, हम उसका भी आपको पूरा एनालिसिस देंगे, उसी के साथ आंसर की भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आने वाले टाइम पे आपको IBPS से रिलेटेड सारे पेपर के एनालिसिस, उनकी आंसर कीज और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको इधर देते रहेंगे। उसी के साथ मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस भी चलती है, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।